अब हम थोड़ा सा देखते हैं ब्रश लाइब्रेरी की तरफ के हमारे पास प्री डिफाइंड ब्रश कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम ये देखेंगे ब्रश बनाते कैसे, लेकिन अभी जो बने बनाए ब्रशेज हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। आप जाएंगे विंडोज में, और विंडोज में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा ड्रैग करके नीचे आएंगे, यहाँ आएंगे ब्रशेज लाइब्रेरीज में, और ब्रशेज लाइब्रेरीज में आने के बाद यहाँ पे आपको एरो से रिलेटेड काफी सारी लाइब्रेरी मिलेगी, जैसे एरो स्पेशल यहाँ से आप ऑन कर लें, फिर उसके साथ साथ आप दोबारा यहाँ जाके एरो स्टैंडर्ड ऐड कर लें, और फिर यहाँ से जाके आप इसके साथ ऐड कर लें पैटर्न एरोस। तो ये तीनों पैनल्स आपके सामने एक्टिवेट हो गए, और इनको आप यहाँ पे आराम से रख लें, चाहे तो तीनों को एक के ऊपर एक करके रख लें, मतलब एक को बाहर निकाल लें, दूसरे को उससे बाहर निकाल के उसके नीचे एडजस्ट कर दें इस तरह से, और फिर तीसरे को उसके नीचे एडजस्ट कर दें, और तीनों को उठा के यहाँ पे सेट कर दें। ठीक है, तो साइजेस को भी यहां से कम ज्यादा किया जा सकता है। ओके, अब यही सारे शेप्स के ऊपर आप ये ब्रशेस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड ब्रशेस हैं जो कि इसके अंदर पहले से मौजूद है, जस्ट आपने क्लिक करना है और अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहां से डिफरेंट बने बनाए स्टाइल्स को क्लिक करते जाएं और वो उस पर अप्लाई होते चले जाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर एक शेप बनाते हैं, और ये बनाना आपके लिए निहायत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इस पे काम करेंगे तो ये बड़े आराम से क्रिएट होकर चला जाएगा। साइज को थोड़ा एक्सटेंड करें इसको, ठीक है, स्टार्स पे अप्लाई करते हैं। हर शेप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपने जस्ट सिलेक्ट करना है और उस पे जाके क्लिक कर देना है। किसी शेप पे बहुत अच्छा लगेगा, किसी पे इतना मुनासिब ना लगे। इस तरह अगर आप पेन टूल से भी कोई अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न्स भी हैं कि अगर आप इस पे क्लिक करके सपोज डॉटेड पैटर्न यूज करना चाहते हैं, डॉटेड पैटर्न आ गया, इस पे क्लिक करके इनके साइजेस को यहाँ से इंक्रीज करेंगे। ठीक, और नीचे और देख लीजिए, इस तरह से बहुत अच्छे फ्रेम्स बना सकते हैं आप, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रशेस लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से, बगैर किसी ज़्यादा झंझट के अच्छे से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे आप इंटरनेट पर देखते भी होंगे बने बनाए आर्ट्स, तो सिर्फ लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके ऊपर अप्लाई कर दें। बाकी कलर्स वगैरह की सेटिंग्स आपके अख्तियार में, जिस तरह के कलर्स आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये करके देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।